बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बायोलॉजी का जो हमारा लेक्चर है, इसमें आज हम लोग हमारा आज का टॉपिक जो है वो है जीन थेरेपी। हमने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में जो है वो पढ़ लिया हुआ है। जीन थेरेपी जो है वो क्या है? इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटीरियल इंटू ह्यूमन सेल फॉर द ट्रीटमेंट और डिसऑर्डर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर इज कॉल्ड जीन थेरेपी। यानी किसी भी डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के लिए ह्यूमन सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल की इंसर्शन है उसको जीन थेरेपी कहते हैं। इसके दो पर्पज़ हैं जीन थेरेपी करने के। एक तो डिफेक्टिव जीन्स ऑफ पेशेंट आर रिप्लेस्ड बाय हेल्दी जीन्स। जो पेशेंट है उनकी डिफेक्टिव जीन्स को बदल के उनको हेल्दी जीन्स से एक्सचेंज कर दिया जाता है। और दूसरा, जो जीन्स हैं आर यूज टू ट्रीट वेरियस अदर ह्यूमन डिजीजेज लाइक कैंसर और कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज। ठीक है ना, डिजीजेज को ट्रीट करने के लिए जो जीन्स हैं वो यूज़ की जाती हैं जीन थेरेपी के ट्रीटमेंट के लिए, उसको चेक किया जाता है। दो मेथड्स हैं जीन थेरेपी करने के लिए, एक्स वीवो और इन वीवो। एक्स वीवो जीन थेरेपी जो है ये क्या होती है? जीन थेरेपी इन विच जीन्स आर इंसर्टेड इनटू द सेल आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्स वीवो जीन थेरेपी। ऐसी जीन थेरेपी जिसमें जीन्स जो हैं वो सेल के बाहर इंसर्ट, सेल आउटसाइड द बॉडी यानी ऐसे सेल के अंदर जो कि बॉडी में से निकाला गया है उसके अंदर इंसर्ट की जाती हैं जीन्स, उसको कहते हैं एक्स वीवो। ठीक है, एक्स वीवो जो है फॉलोइंग डिजीज आर ट्रीटेड बाय दिस मेथड। एस वीवो मेथड के जरिए ट्रीटमेंट ऑफ एस आई डी जो है वो क्या है? सीवियर कॉम्बाइंड अम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम इज ट्रीटेड बाय एक्स वीवो जीन थेरेपी। चिल्ड्रन लैक एन एंजाइम एडिनोसिन डेलामिनेट ADA। ठीक है स्टूडेंट, एडिनोसिन डेल अमाइनेट एंजाइम है ये। एडिनोसिन डेल अमाइनेट एंजाइम बच्चों में नहीं होता इस बीमारी के दौरान। और क्या होता है कि दिस एंजाइम मेच्योर्स टी और बी सेल्स को मेच्योर करता है। टी एंड बी सेल्स कैन नॉट मेच्योर विदाउट दिस एंजाइम। इस एंजाइम के बगैर टी और बी सेल्स, ये लिम्फोसाइट्स के सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स के सेल्स हैं, वो मेच्योर नहीं होते। देयर फॉर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन अकर इन दीज चिल्ड्रन। इट हैज़ फॉलोइंग प्रोसीजर। बोन मैरो स्टेम सेल्स आर रिमूव्ड। बोन मैरो स्टेम सेल्स आर रिमूव्ड। बोन मैरो स्टेम सेल्स आर डिवाइडेड टू प्रोड्यूस मोर सेल्स। ठीक है, द सेल्स आर इन्फेक्टेड विद रेट्रोवायरस RNA। रेट्रोवायरस कैरीज अ नॉर्मल जीन फॉर एंजाइम। दे इंसर्ट नॉर्मल जीन्स इंटू दीज सेल्स। द बोन मैरो सेल्स आर रिटर्न टू द पेशेंट। इंक्रीज ऑफ द लेवल ऑफ ADA एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन द ब्लड। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ ADA एंजाइम एक्टिविटी इन द ब्लड, दस द पेशेंट फील इम्प्रूवमेंट इन देयर इम्यून फंक्शन। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये एक डिजीज़ है SCID, बच्चों की एक डिजीज़ है, सीवियर कॉम्बाइंड अम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि ऐसे एक एंजाइम होता है ADA एंजाइम, जिसने टी और बी सेल्स जो हैं अम्यूनो अम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं ये दोनों सेल्स, ये एंजाइम जो है इनको मेच्योर करना होता है इस एंजाइम ने। ये सेल्स, सॉरी, टी और बी सेल्स हैं और ADA एंजाइम है। ADA एंजाइम ने टी और बी सेल को मेच्योर करना होता है। अगर ADA एंजाइम इन बच्चों में जिनमें ये बीमारी होती है SCID की बीमारी, उनमें ADA एंजाइम नहीं होता या वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो बच्चों के टी और बी सेल्स जो है वो मेच्योर नहीं हो पाते प्रॉपरली। फिर क्या होता है कि ऐसे बच्चों को ट्रीट किया जाता है, उनके बोन मैरो सेल्स निकाल लिए जाते हैं, उनमें जो है वो रेट्रोवायरस RNA जो है वो ऐड किया जाता है। ये वायरस जो है ये क्या करता है, ये टी और बी ADA एंजाइम की एक्टिविटी को तेज़ कर देता है। उसके बाद वो बोन मैरो सेल दोबारा से उन बच्चों के अंदर इंसर्ट कर दिए जाते हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि बाद में वो जो बच्चे हैं वो अपने आप को हेल्दी और अपना इम्यून सिस्टम बेहतर महसूस करते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा जो दूसरी डिजीज़ है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ठीक है, ये भी एक्स वीवो के जरिए इस बीमारी को भी ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इस बीमारी को भी एक्स वीवो जीन थेरेपी के जरिए ट्रीट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि लीवर सेल लैक अ रिसेप्टर इन हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में जो लीवर सेल है उनमें रिसेप्टर नहीं होता। ये रिसेप्टर जो है वो ये इस रिसेप्टर का काम ये होता है कि वो ब्लड सेल्स में से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करे, दस ब्लड डिवेल्प हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब ये एंजाइम, ये रिसेप्टर ना होने की वजह से जो ऐसे पेशेंट हैं
उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उनको फेटल हार्ट अटैक हो जाता है यंग एज में ही। तो इसके प्रोसीजर के लिए फॉलोइंग प्रोसीजर जो है वो किया जाता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ लीवर इज सर्जिकली रिमूव्ड, इट इज़ इन्फेक्टेड विद रेट्रोवायरस। ठीक है, उसको रेट्रोवायरस से इन्फेक्ट कर दिया जाता है। दिस वायरस कॉन्टेन नॉर्मल जीन फॉर द रिसेप्टर। अब वो वाला वायरस जो है उसके पास नॉर्मल जीन होती है उस रिसेप्टर को बनाने के लिए, फिर वो रिसेप्टर बन जाता है। और ऐसे पेशेंट्स के ब्लड में जो है वो बाद में ऑब्जर्व किया गया है कि उनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम हो जाता है। अब इन वीवो जीन थेरेपी जो है स्टूडेंट, वो किस किस इन वीवो ऐसी थेरेपी है जिसमें जीन्स जो हैं आर इंसर्टेड इन टू द सेल विद इन द बॉडी। जो बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं उसके अंदर ही, यानी बॉडी के अंदर ही सेल्स के अंदर जीन्स को इंसर्ट किया जाता है, उसको इन वीवो कहते हैं जीन थेरेपी। इसमें जो है ये यूज़ होती है ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट में ये वाली यूज़ होती है। इसमें क्या होता है, पेशेंट लैक सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, इसमें पेशेंट जो है उनके पास एक जीन नहीं होती, वो जीन जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर के लिए कोड करती होती है। ये कैरियर जो है वो क्लोराइड आयन ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में स्टूडेंट जिस ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर ने क्लोराइड आयन को ट्रांसफ़र करना है उसकी जीन ही नहीं बनती। ठीक है, फिर अब क्या होगा, फिर डिजीज काजेज न्यूमरस इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। इस डिजीज़ में फिर क्या होगा कि क्लोराइड आयन के ट्रांसफ़र की जो जी का जो कैरियर होता है वही नहीं बनता, क्लोराइड आयन ट्रांसफ़र करने वाला कैरियर नहीं बनता क्योंकि उसकी जीन नहीं बनती। अब इस मेथड में जो है वो क्या किया जाता है, लिपो प्रोटीन्स आर पुट इनटू अ सॉल्यूशन, लिपोसोम्स आर स्पॉन्टेनियसली फॉर्म्ड, द लिपोसोम्स आर माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स। ठीक है, लिपोसोम बनाए जाते हैं इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, और वो लिपोसोम्स जो हैं उनको जीन के साथ कोड किया जाता है, वो जीन जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के इलाज में इस्तेमाल होती है। फिर वो जो सोल्यूशन है वो पेशेंट के नोस्ट्रिल्स में स्प्रे कर दिया जाता है, और इससे क्या हो जाता है कि लिमिटेड जीन ट्रांसफ़र इन दिस केस, सो द प्रोसीजर सो दिस प्रोसीजर इज़ नॉट सक्सेसफुल। इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस का लिमिटेड ट्रीटमेंट तो हो जाता है, लेकिन ये कोई इतना खास सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है। कैंसर के ट्रीटमेंट में भी, कैंसर का ट्रीटमेंट भी इन वीवो थेरेपी के जरिए किया जाता है। इसमें पेशेंट जो है उनको कीमोथेरेपी के लिए टॉलरेंट बनाया जाता है, यानी कीमोथेरेपी की जाती है। जीन्स आर गिवन टू द कैंसर पेशेंट, दीज जीन मेक द हेल्दी सेल्स मोर टॉलरेंट फॉर कीमोथेरेपी। तो ये जीन्स जो हैं वो क्या करती हैं, जीन इंसर्ट की जाती हैं कैंसर पेशेंट के अंदर, वो जीन्स जो सेल्स हैं बॉडी के उनको कीमोथेरेपी के लिए ज़्यादा, कीमोथेरेपी को बर्दाश्त करने के काबिल बनाते हैं ज़्यादा उन सेल्स को। ठीक है ना, वो वाली जीन्स जो हैं। इसके बाद जो इन वीवो है मेथड, ये कोरोनरी आर्टरी की एंजियोप्लास्टी के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसमें बैलून कैथेटर, कैथेटर क्या होती है, वो एक ट्यूब होती है जो कि पेशेंट के अंदर इंसर्ट की जाती है, इज़ यूज टू ओपन क्लोज्ड आर्टरी इन कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी क्लोज्ड आर्टरी को एंजियोप्लास्टी के दौरान उसको कोरोनरी आर्टरी को खोलने के लिए कैथेटर एंटर की जाती है। कोरोनरी आर्टरी जो है वंस अगेन क्लोज हो जाती है। सो द इन्वेस्टिगेटर हैव अडॉप्टेड अ न्यू प्रोसीजर, द बैलून इज कोटेड विद अ प्लाज्मिड, द प्लाज्मिड कंटेन अ जीन फॉर वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, दिस जीन प्रमोट द प्रोलीफ्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। अब साइंटिस्ट जो हैं वो, उन्होंने क्या ये मेथड निकाला है कि कोरोनरी आर्टरी जो कि एक दफ़ा फिर बंद हो जाती है, एक दफ़ा खोलें इसको तो दोबारा फिर बंद होने का चांस होता है, तो वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कैथेटर के ऊपर ना एक प्लाज्मिड लगा दिया जाता है, और वो प्लाज्मिड जो है उसके पास जीन होती है जो कि ब्लड वेसल्स की प्रोलीफ्रेशन कराती है, यानी उनको फैला देती है। जब ब्लड वेसल्स फैल जाएंगी तो ब्लड बाईपास ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया, फिर क्या होगा कि फैल जाएंगे तो ब्लड गुजरने का रास्ता जो है वो खुल जाएगा। इस तरह से जो है ये इस डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है कोरोनरी आर्टरी की एंजियोप्लास्टी को इन वीवो ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया, डायबिटीज़, पार्किंसंस, वो भी जो है स्टूडेंट ये भी इस इन वीवो जीन थेरेपी के लिए किया जाता है। तो ये जीन थेरेपी आपकी बुक में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला जीन थेरेपी का टॉपिक है, इसको इन वीवो और एक्स वीवो की हेडिंग देके सेपरेट सेपरेट मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया हुआ है। ठीक है, ये पार्किंसन डिजीज़ के जो पेशेंट हैं उनको भी, टू क्योर पार्किंसन डिजीज़ डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स कुड बी ग्राफ्टेड डायरेक्टली इन टू ब्रेन। पार्किंसन डिजीज़ जो है उसके पेशेंट को ट्रीट करने के लिए डोपामिन जो है वो डायरेक्टली उनके ब्रेन में ग्राफ्ट की जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो क्या होता है, हीमोफीलिया के पेशेंट उनमें रेगुलर डोजेज ऑफ सेल्स दैट कंटेन नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर जीन्स, सच सेल्स कुड बी प्लेस्ड इन ऑर्गेनाइड
आर्टिफिशियल ऑर्गन्स दैट कैन बी इम्प्लांटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स में वो सेल्स डाल के, ठीक है, हीमोफीलिया के पेशेंट में उनको इंसर्ट कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है उनकी एब्डोमिनल कैविटी में। तो ये वाली सारी डिजीज जो है ये इन विवो जीन थेरेपी के जरिए कंट्रोल की जाती है। ठीक है, अब ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया क्योंकि टिश्यू कल्चर आपके उसमें नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। थैंक यू।